मुफस्सिल क्षेत्र के लेदा कुरुमडीहा मुख्य सड़क निर्माण को लेकर अब जनता में आक्रोश की भावना पनपने लगी है। सड़क निर्माण मांग को लेकर इस क्षेत्र के ग्रामीणों संघ पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार के द्वारा लेदा से कुरुमडीहा तक पैदल मार्च किया गया। पैदल मार्च में विधायक स्वर्णकार के साथ भाजपा के कई नेताओं ने भी भाग लिया। यहाँ ग्रामीण अपने हाथों में सड़क निर्माण को लेकर तख्ती लेकर पैदल मार्च कर रहे थे। पैदल मार्च करते हुए ग्रामीण संघ विधायक ने कुरुमडीहा मोड़ पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया और उग्र आंदोलन का ऐलान किया। बता दें कि लेदा कुरुमडीहा मुख्य सड़क होने वाले हर चुनाव में मुख्य मुद्दा भी रहा है। सभी प्रमुख समाचार चैनलों एवं समाचार पत्रों की हेडलाइन भी रही है, लेकिन यह मुद्दा सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रह गया। पूर्व में जब सूबे में डबल इंजन की सरकार थी तो पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा द्वारा इस सड़क के निर्माण को लेकर अनुशंसा की गई थी। इसके बाद इसकी स्वीकृति भी मिली थी, पर सरकार बदलते ही यह जस की तस रह गई। वर्तमान में पुनः विधायक एवं सांसद के द्वारा अविलंब निर्माण की अनुशंसा की गई, जिसके बाद गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा अनाबद्ध योजना लिस्ट में शुमार भी किया गया, परंतु इसके बाद भी इस क्षेत्र की जनता को निराशा ही हाथ लगी है। थक हार कर अब नेताओं के सहयोग से ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। इस पैदल मार्च में लेदा पंचायत समिति सदस्य बसंत वर्मा, मुखिया कंचन देवी, पीएलवी संगीता कुमारी, समाज सेवी रामेश्वर प्रसाद वर्मा, पूर्व मुखिया वासुदेव नारायण सिंह, प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष भागीरथ मंडल, उप मुखिया राजेंद्र कुमार, ओम प्रकाश सिंह, मनोहर राम, नरेश साव, उमा शंकर दास, दिनेश ठाकुर, विनोद वर्मा, पीएसएस मुकेश कुमार, डिंपल कुमारी, कैलसी देवी आदि समेत सैकड़ों लोग शामिल रहे। हर जोर जोर के टक्कर में लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। रामेश्वर जी आप कुछ बयान दीजिए। रामेश्वर जी, रामेश्वर जी उप लड़ेंगे, जीते हैं। गिरिडीह मंडल के और उसके अध्यक्ष भागीरथ मंडल जी के साथ में पूरे कार्यकर्ता के साथ साथ इस क्षेत्र की जनता आज पदयात्रा कर रही है। कुरुमडीहा से लेदा होते हुए बंसीडी रोड तक रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। लोगों को पता नहीं चलता कि वास्तविक में हम रोड में चल रहे हैं कि गढ़ा में चल रहे हैं, और आए दिन लोगों को भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ा कठिनाई सामना करना पड़ता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को लेकर के वो यहाँ से गिरिडीह जाना चाहते हैं तो रास्ते में कोई भी दुर्घटना होती है, और इससे बड़ा माने लोग बहुत ही परेशान हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए, आप सामने में देख रहे हैं, बच्चे भी, महिलाएँ बहुत बड़ी संख्या में, और वहाँ के सारे जनता इस मामले पर अक्षुब्ध हैं। और ये 5 किलोमीटर सड़क आज हम समझते हैं कि 15-20 वर्ष से वो सड़क बना नहीं है, और इस सड़क बने इसके लिए हम लोग आज पदयात्रा कर रहे हैं। कंचन देवी, ग्राम पंचायत लेदा का मुखिया हूँ, जो कि कुरुमडीहा से लेकर बंसीडी तक आज तक ये रोड जो है सो जर्जर की स्थिति में है, और बहुत सारा घटना घट रही है। हम अधिकारी जनों से चाहे प्रशासन लोग से कहना चाहूँगा कि विलम्ब ही रास्ता बनाने का कृपा करें। लेदा एक जो हमारे बिरनी प्रखंड और गिरिडीह प्रखंड के मध्य भाग हैं, और लेदा में हमारे बहुत दूर दराज से आदमी आते जाते थे, जो रास्ता के कारण हमारे लेदा में ग्रामीण लोग नहीं आ जा पा रहे हैं। इतनी जर्जर हमारी लेदा की सड़कें हो चुकी है, जो हम अपने पंचायत समिति की बैठक में करीबन 4 बार इसको प्रस्ताव लेकर के हम जिला भेजवाएं, और ये जिला जाते ही प्रस्ताव को कहाँ दरकिनार कर दिया जाता है इसका तो हमें नहीं पता। और हमारे पूर्व विधायक भी ने इसको अनुशंसा किया था, और जो अभी वर्तमान में हमारे जो सांसद अन्नपूर्णा देवी है उन्होंने भी इस रोड को अनुशंसा की। इसके बाद भी ये रोड को मतलब नहीं बनाया जा रहा, इस पर पूरे ग्रामीण को काफ़ी आक्रोश है।